बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अमीर सर। मेरा नाम है अमीर खुसरो। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ एमएस वर्ड में। देखते हैं आज का टॉपिक क्या क्या है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है बुकमार्क। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हाइपरलिंक के बारे में, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बुकमार्क क्या होता है और बुकमार्क कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो लिंक ब्लॉक है ना, लिंक ब्लॉक के अंदर ही आपको ये तीनों एक साथ दिखेगा, हाइपरलिंक, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बुकमार्क किसे कहते हैं, बुकमार्क क्या होता है, बुकमार्क किसे कहते हैं, किसी किताब को हम लोगों ने कितना पढ़ लिया है उसे पता करने के लिए उसमें हम लोग कागज़ का टुकड़ा लगा देते हैं या कोई धागा लगा देते हैं, तो इसे बुकमार्क कहते हैं। लेकिन एमएस वर्ड में बुकमार्क का बहुत ही अच्छा यूज़ है, बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है। कैसे, इसको करके देखते हैं। जब भी हम लोग हाइपरलिंक की बात करते हैं तो उसके अंदर बुकमार्क भी आ जाता है और क्रॉस रेफरेंस भी आता है। बहुत सारे वीडियोज़ में हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस एक साथ ही बताया गया, लेकिन मैं तीनों को अलग अलग बताऊँगा क्योंकि आप लोग को डिफरेंस से समझ में आएगा कि हाइपरलिंक क्या होता है और बुकमार्क क्या होता है और क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। बुकमार्क पढ़ने के लिए हमें इंसर्ट टैब पे क्लिक करना होगा और इसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे लिंक ब्लॉक है, ये ब्लॉक बना हुआ है ना, इसमें लिंक लिखा हुआ है LINKS। तो लिंक्स ब्लॉक में आपको हाइपरलिंक, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस तीनों एक साथ दिख जाएगा। एक्चुअली ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। लेकिन मैंने हाइपरलिंक का अलग वीडियो बनाया है और आज मैं बुकमार्क का वीडियो बना रहा हूँ और कल क्रॉस रेफरेंस का वीडियो बनाऊँगा। ये तीनों एक में हो सकता था लेकिन वीडियो बड़ा हो जाता इसलिए, और आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी कि हाइपरलिंक क्या होता है, बुकमार्क क्या होता है और क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। हालांकि तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बुकमार्क का मतलब होता है कि जैसे मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ या मैं किसी डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहा हूँ या किसी फाइल पे वर्क कर रहा हूँ, तो जहाँ तक मैंने आज काम किया है वहाँ तक मुझे मार्क लगाना है क्योंकि कल आकर मैं वहीं से अपना काम स्टार्ट कर सकूँ। इसके लिए मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने यहाँ तक काम किया है, तो कल जब मैं आऊँ तो वहाँ तक मुझे वो मार्क, वहाँ से मैं काम स्टार्ट कर सकूँ, तो इसके लिए मुझे बुक मार्क लगाना होगा। कैसे लगाते हैं वो देखिए आप। मान लीजिए मैंने यहाँ तक काम किया और अचानक मुझे जाना पड़ा, कल जब मैं आऊँगा तो मेरा कर्सर अपने आप यहाँ पे आना चाहिए ताकि मुझे याद आ जाए कि मैंने यहाँ तक काम किया है। तो इसके लिए हम लोग बुक मार्क का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्यूमेंट्स तक मैंने काम किया, ठीक है, इसके बाद मुझे कहीं जाना पड़ गया, तो कल जब मैं आऊँ तो मेरा कर्सर अपने आप डॉक्यूमेंट्स पे आ जाए ताकि मुझे याद आ जाए कि मैंने यहाँ तक काम किया है और आगे में मुझे यहाँ इसके आगे काम करना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे उस वर्ड को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद हम लोग इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, बुकमार्क पे क्लिक करेंगे। बुकमार्क पे क्लिक करते ही आपके सामने बुकमार्क की विंडो ओपन होगी। इसमें एक ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, बुकमार्क नेम। तो यहाँ पे हम लोग बुकमार्क का कोई नाम दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया है तो इस बुकमार्क को हम लोग दे देते हैं DOC Doc 1। ठीक है, बुकमार्क का नाम देने के बाद ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे। अब ये आपका एक बुकमार्क बन चुका है। अब मान लीजिए कल फिर मैंने कंप्यूटर ओपन किया, अब मुझे वहीं से काम स्टार्ट करना जहाँ तक मैंने काम किया था, जहाँ तक मैंने काम छोड़ा था, तो मुझे कैसे पता चलेगा। इसके लिए फिर से हम बुकमार्क पे जाएंगे, इंसर्ट, बुकमार्क पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही मुझे वो वाला बुकमार्क का नेम दिख गया, ये सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे गो टू का ऑप्शन भी आ रहा है। बुकमार्क ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये जो आपका बुकमार्क नेम आ गया जो आपने कल दिया था, इसके बाद गो टू पे क्लिक करेंगे। गो टू पे क्लिक करते ही आप देख पाएंगे कि जहाँ जिस वर्ड पे हम लोगों ने बुकमार्क लगाया था वो वर्ड्स खुद ब खुद सेलेक्ट होकर सामने आ गया। तो इसके बाद इसे क्लोज़ कर देंगे और अब हम यहाँ से आसानी से
काम कर सकते हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हाँ यहाँ तक मैंने काम किया था, अब हमें इसके आगे काम करना है। तो ये बुकमार्क लगाना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये था बुकमार्क। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें मैंने एक एक चीज़ का ध्यान रखते हुए काफ़ी तफसील से, विस्तार से, डिटेल से, बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ को मैंने दिखाया, एक एक ऑप्शन को जूम करके दिखाया, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए कि हाँ किस ऑप्शन का आप लोग यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पर क्लिक करना है। ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे बहुत ही हिम्मत मिलेगी और प्रोत्साहन मिलेगा, एक कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, है ना। तो एमएस वर्ड के बारे में एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि एमएस वर्ड पे काम करना है तो टाइपिंग स्पीड फिर से बढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। मतलब टाइपिंग स्पीड बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एमएस वर्ड में हम लोग आ चुके हैं, ऑफिस में काम, ऑफिशियल वर्ड सीखने वाले हैं, है ना। ऑफिस में काम कैसे करना है, क्योंकि थोड़ा सा से काम चलने वाला है नहीं, इसलिए टाइपिंग सीखना ही पड़ेगा और करना पड़ेगा। टाइपिंग आपको रोज़ करना पड़ेगा, तभी आपका स्पीड थोड़ी सी बूस्टअप होगी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एमएस वर्ड के नए वीडियो में। एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए। धन्यवाद।